जय ना पल्लव जय गिरि वरधारी जय गोपी जय ना पल्लव जय गिरि वरधारी जय गोपी जय ना पल्लव जय गिरि जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय यशोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari bol, Hari bol, Hari Hari, Hari bol, Hari Hari bol, Hari bol, Hari Hari, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari Hari, Hari bol. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Hey, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari. ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाये तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री मन चैतन्य महाप्रभु कहते उन्होंने कैसे सात प्रहरिया मतलब 21 घंटा तक उन्होंने अपना गोद में शालग्राम को लेकर के विष्णु की खटिया के ऊपर में बैठी गई और इन्होंने अपना दिव्य रूप को उन्होंने दर्शन कराया और भक्त लोगों ने कैसे अपने कस्तूर कर्पूर अगुर चंदन और सुंदर सुंदर कुंद कदम्ब कर्पूर मल्लिका कैसे सबके सब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में अर्पण किया
और कैसे महाप्रभु को कोई खीर, कोई मक्खन, कोई खई, कोई नारिकेल, सबके सब वस्तु दे रहे थे। यहाँ पर कहते बोले सहस्र सहस्र दधी खीर दुग्ध सहस्र सहस्र कांति कला कत मुक्त। इसलिए यहाँ पर कोई दही खीर मुक्त और कोई केले कांति के कांति केले इतना दे रहे थे भक्त महाप्रभु, सब कुछ ग्रहण करते हुए भक्तों का आशीर्वाद दे रहे थे। और भक्तों का जो जीवन में जो जो घटना घटी है वो सब के सब घटना को एक एक कर बता रहे थे। तो उन्होंने श्रीवास को एक चीज उन्होंने याद कराया, बोले श्रीवास तुम्हारे याद है, बोले कौन सा बात है, बोले एक समय देवानंद पंडित कथा कर रहा था, कथा करते समय तुम वहां पर आकर के बैठ गया। जब बैठ गया उसी समय में देवानंद पंडित ने एक सुंदर कृष्ण कितने सुंदर है उन्होंने एक सुंदर श्लोक पढ़ा, बोले बराहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयंति चमाला रंध्रान बेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपत रमणम प्राविशस्तद गीत कीर्ति। तो उन्होंने जब ये श्लोक को बोला कि ये भागवत किया है, बोले पद पदे भागवत प्रेम रसमय सुनिया द्रविल अतीत मार हृदय। ये भागवत क्या है, भागवत को बताया निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संचय। भागवत क्या है, ये भागवत नहीं क्या है, पूरा के पूरा ये रस है, हैं? इसलिए मंथिलेन सुख और खाइलेन परिखीत, जैसे दधि को जैसे मंथन कर जैसे उसे मक्खन निकलता है, ऐसे ही इसको मंथन किसने किया, बोले सुखदेव गोस्वामी मंथन किया, लेकिन उसको खाया कौन, बोले श्री परीक्षित महाराज उसको खाया है। इसलिए भागवत नहीं ये क्या है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ ये फल है। इसलिए क्या कह रहे हैं, बोले भैया एक तो पका हुआ फल है ही है, पर श्री सुखदेव गोस्वामी का मुंह से निकले है, सुखदेव गोस्वामी का मुंह से निकलने का वजह से कहती है सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठात निकुंज प्रसाद सदा निवास। इसलिए कहते श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की ये प्रिय तोता है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कहते राधा रानी के तीन तोता थे, कहीं कहीं चार तोता के नाम आते हैं, कहीं कहीं उनकी तीन तोता के नाम आते हैं। क्या क्या है, कहते उनके एक तोता है, क्या बोला, मंजूवासी, एक तोता है मंजूवासी, मंजूवासी मतलब जो बहुत मीठा बोलती है, और एक सुभा है, और एक है विचक्षण, और एक है विचक्षण, और भी कहीं आती है, और भी तोता के नाम आती है राधा रानी की, और क्या क्या तो कौन सा तोता थे। इसलिए कहते ये तोता है, इसलिए ये तोता कौन है, इसलिए भागवत में आया जिस समय कृष्ण बंसुरी बजाए, बंसी बजाते समय ब्रज गोपियां अपना घर की काम कर रही थी, कोई दधि मंथन कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति सेवा कर रही थी, कोई है रसोई बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। लेकिन जब बंसी ध्वनि सुना ना उसी समय में वहीं पर उसी काम को रख करके सबके सब भागते भागते आए। लेकिन जब भागते भागते आए इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आजकमो हर लखी तो उद्यमा, वहां पर कह रहे हैं कहते क्या कह रहे हैं, कहते ये सबके सब आ रही हैं, क्या कर रही है गोपियां सबके सब आ रही हैं। तो भाई यहाँ पर बोले ये ऐसे क्यों कह रहे आ रही हैं, उनको बोलना चाहिए था जा रही हैं, ये सबके सब जा रही हैं, क्यों कृष्ण बंसुरी बजाए बंसी ध्वनि की अपना घर का काम छोड़कर कृष्ण के पास में जा रहे, इनको क्या बोलना चाहिए था जा रही हैं गोपियां, लेकिन वो कह रही हैं गोपियां जा नहीं रहे गोपियां आ रही हैं।
तो श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं वो आ रही है क्यों कह रहे हैं, बोले ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी हैं, कहते ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी वहीं पर एक सखी रूप में है, हैं सखी रूप में है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, बोले ये गोपियां सब के सब आ रही हैं, इसलिए कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, इसलिए राधा रानी की ये प्रिया सुख है, हैं जो राधा रानी कभी कभी इनको चुंबन करती थी, चुंबन करने के नाते राधा रानी की अधरामृत उनकी चोंच में लगा हुआ, इसलिए जब राधा रानी की अधरामृत लगी हुई उनका नाम ही राधा, राधा मतलब क्या है, कहते राधा सब तो उल्टा तो क्या हो जाएगा, बोले धारा है, कहती राधा नहीं ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा, ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए वैदग्ध सिंधु रघुराग सिंधु बात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपायक सिंधु और वैदग्ध सिंधु और रमृत छविकेल सिंधु श्री राधिके स्फुरत में हृदिकेल सिंधु, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो राधा रानी है जैसे सप्त समुद्र है, हैं उसी तरह राधा रानी में भी ये सारे सप्त समुद्र राधा रानी में विद्यमान, ये रस की सिंधु अमृत की सिंधु कृपा की सिंधु बात्सल्य की सिंधु वैदग्ध सिंधु और कहते हैं प्रेम रस की सिंधु सबके सिंधु श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, इसलिए कहते भैया एक साधारण व्यक्ति कथा सुना है अगर उसमें इतने मिठासा हो सकता है, कहते जब राधा रानी की कोई सखी कथा सुनाएगी तो बताओ उसमें कितना आनंद नहीं हो, कितना आनंद नहीं हो, इसलिए कहते तब कथा अमृतम, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ये अमृत है, कहते बिरह अवस्था में भी है जिस समय कृष्ण बिरह है, कहते बिरह अवस्था में भी ये कृष्ण कथा ऐसे की चीज है ना, वो भी बिरह अवस्था में भी ये आनंद देने वाला कृष्ण कथा, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई फर्क नहीं, एक ही वस्तु, इसलिए सारा दिन परिश्रम करते रहो लेकिन थोड़ी समय कथा में बैठ जाओ, थोड़ी समय केवल कथा सुनो, मन में जैसे है मन में बड़े तृप्ति मिलता है, मन को बड़ा शांति मिलती है, इसलिए जो बोलने वाले भी और जो सुनने वाले दोनों को ही कृष्ण कथा, दोनों को ही आनंद देने वाली ये कृष्ण कथा, श्रोता और वक्ता ये दोनों को आनंद देने वाली, सबको जीवन देने वाली कृष्ण कथा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते ये भागवत नहीं, कहते एक एक जो शब्द एक एक अक्षर है ना, एक उदाहरण दे रहे थे जिस अंगूर, अंगूर है ना, अंगूर खाए हो है, अंगूर का टीपो केवल उसके अंदर क्या निकलेगा, रसी रस है, उसके अंदर में रसी रस है, कहते भागवत का प्रति अक्षर में रसी रस है, भागवत की हर अक्षर में रसी रस है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, कहते भागवत का हर पद पद में ये प्रेम रस है, हैं सुनिया द्रविल अति तुमार हृदय, इसलिए जब श्री हैं श्री श्रीवास पंडित ने ये भागवत कथा को सुने श्रवण करते भागवत रसमय प्रेमय है, इसलिए उनको सुनते ही बस इतने में उनका हृदय एकदम कृष्ण प्रेम में द्रवित हो गया, और विशेष करके श्लोक क्या था, कृष्ण कितने सुंदर है, श्याम सुंदर कितने सुंदर कृष्ण है, इसलिए इसको सुनते ही जब इनका हृदय द्रवीभूत हुआ इतने में श्री सुखसी श्रीवास पंडित तो वहां पर लौट बोट खाने लग गए, कृष्ण प्रेम में लौट बोट खाने लग गए, जो लौट बोट खा रहे थे उनका जो चेले लोग थे ना, बोले ये उत्पाद कहाँ से आ गया है, ये कथा हो रही है गुरु जी कथा कर रहे हैं यहाँ पर है, और कथा में ये कथा क्या सुने गए थे कि लौट बोट है, इतने लौट बोट क्या खाने लग गए, रोने रोना क्या शुरू कर दिया, इतने में शिष्य लोग ये चीज को समझ नहीं पाए और उसको पकड़ कर क्या किया, घर से उसको निकाल दिया, जब उन्होंने घर से निकाल दिया इतने में श्रीवास पंडित बड़े दुखी होकर के अपना घर में आए, जब घर में आए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बोले देखो जिस समय तुम घर में आए और तुमने ये भागवत ग्रंथों को देखा उसी समय में गोलोक वृंदावन से वैकुंठ से उतर करके आया है, उतर करके आए आ करके मैंने क्या किया और तुमको
हैं, तुमको कृष्ण प्रेम में तुमको मैंने रुलाया है और तुमको तुमको सांत्वना प्रदान की है, सांत्वना प्रदान मैंने तुमको की। इतने में श्रीवास पंडित जब सुना तो उसी समय में ये महाप्रभु आकर के मेरे को सांत्वना दिया था गोलोक वृंदावन से। इतने में श्रीवास पंडित तो विभोर हो गए और वहीं पर विहोल हो करके वहीं पर उन्होंने लौट बौट खाने लगे है कृष्ण प्रेम में, और लौट बौट खाने लगे कृष्ण प्रेम में। इतने में कहते जदि कौन भक्त नाते थे, कहते कभी कभी मैं भक्तों को क्या करता हूँ, कभी कभी भक्तों को मैं बुलाता हूँ है, बुला करके उनसे कुछ कुछ वस्तुओं को मैं ग्रहण करता हूँ। और एक भक्तों कह रहे हैं बोले तुम्हारी याद है, बोले क्या याद है, बोले कभी तुमको बुखार हुआ। देखो यहाँ पर भगवान कैसे, अगर सच दिल से यहाँ पर महाप्रभु ये समझा रहे हैं, अगर हम भगवान को अंतर हृदय से सचमुच से हृदय से अगर हम महाप्रभु कभी बुलाते हैं, कृष्ण को कभी बुलाते हैं, भगवान अनेक रूप में भगवान आते हैं और आग्रह क्या करते हैं, भक्तों को सांत्वना प्रदान करते, भक्तों को आश्वास पाए देते हैं। उस समय कौन आता है, भगवान ही आते हैं। एक समय क्या हुआ, कहीं बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो एक एक व्यक्ति ने पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया इतने में वो थोड़ी बहुत भक्ति करता था, थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा था, तो अभी बाढ़ में तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अभी भगवान को बुला रहे, बोले हे प्रभु आप भी इस समय रक्षा कर सकते हो, आप भी मेरे को बचाओ, आप भी मेरे को बचाओ। इतने में भगवान ने क्या किया, वहां पर एक नाव को भेज दिया है, एक नाव लेकर गया। लेकिन व्यक्ति बोले भैया जल्दी जल्दी उतर कर गाओ, नाव में बैठो और चलो। बोले नहीं, जब तक मेरे को भगवान खुद आकर के नहीं बचाएंगे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं देखूंगा इसे भगवान हमें बचाते। इतने में आया नहीं, इतने में एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आकर के बोले भैया जल्दी जल्दी रस्सी को पकड़ो, यहाँ पर बैठो और यहाँ से चलो। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा है, जब भगवान खुद आकर के मेरे को यहाँ से ले जाएंगे तभी जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ऐसे करते 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 बाढ़ का ज्यादा पानी आया, उसमें बह गया। जब बह गया, कभी अगर भगवान से मिले, बोले भगवान आपको मैं इतना बुला रहे थे आपने रखा क्यों नहीं किया। बोले बेवकूफ, ये जो नाव भेजा था किसने भेजा था, कहते जो नाव है जो भेजा था, ये नाव तुम्हारे पास में किसने भेजा था, मैंने तो नाव भेजा था तुम्हारे पास में तब भी तुमने नहीं आया। हेलीकॉप्टर जो आया था किसने भेजा था, मैंने तो तेरे को लाने के लिए भेजा था तब भी नहीं आया, तब नहीं आओ तो बह ही जाओगे तुम। इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कभी हम सच दिल से कभी हम भगवान को अंतरात्मा से भगवान को पुकारे, इसलिए कहते ना तेसाम सतत जुगताना भजताम प्रतिपूर्वकम ददामी बुझि जुगतम जनमाम उपजाति। अगर सच दिल से भगवान को कोई पुकारे, देखो भगवान आने में देर नहीं करते, भगवान आने में देर नहीं करते, कहते उसमें कमी किसकी है, या महापुरुष यही बात बता रहे, इसमें कमी किसकी, कमी हमारी है। इसलिए कभी द्रौपदी कृष्ण से प्रश्न करते, बोले प्रभु जब दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था मैंने आपको बड़े देर से बुला रही थी, अब आने में इतने देर क्यों लगाया। बोले द्रौपदी तुमने हृदय से मेरे को एक बार बुलाया। बोले प्रभु ऐसे कैसे, जब से वो खींच करके ला रहा था मैं तभी से आपको बुला रहा था। बोले द्रौपदी तुम झूठ मत कहा करो, सही बताओ। बोले बताओ। बोले जब दुशासन तुम्हारे पास में पहुंचा और बोले चलो, उस समय बड़े अकड़ रहे थे तुम, तू क्या सोच रही थी, ये हीड़ा मेरा क्या कर लेगा, मेरे पांच पांच पति हैं, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में युधिष्ठिर नकुल सहदेव के बराबर कोई तलवार युद्ध में नहीं थे, पांच पांच जब मेरे पति है क्या क्या कर लेगा, बड़े अकड़ रही थी ना। बोले हाँ प्रभु। बोले तुम्हारी जो पकड़ करके भरी सभा में लाए, बोले द्रौपदी मैंने आधा रास्ता तक तो तुमको बचाने के लिए आया, फिर वापस गया। बोले क्यों, बोले तू तो मेरे को बुला रही थी लेकिन मन में क्या सोच रही थी, ये मेरे पांच पांच पति है, हैं पति तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, रखा करेंगे, तू सोच रही थी ना। बोले हाँ प्रभु मैं ये सोच रही थी,
बोले भगवान आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, पांच पैसे तो पति है ही है, है? नहीं आएंगे तो पांच पैसे पति तो मेरे को रक्षा करेंगे। इसलिए बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले, फिर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए द्रौपदी मैंने रास्ता रास्ता से वापस गया। बोले द्रौपदी और थोड़ा पास में भी आया तेरे को बचाने के लिए। बोले फिर वापस गया। बोले फिर क्यों? बोले जब पांच पांच पति तो हार चुके थे, वो सर नीचे लटका करके बैठे हुए थे, फिर तुम अपना गुरु वर्गों के प्रति देख रहे थे, पितामह भीष्म एक बोली निकले ना जिसका हिम्मत नहीं द्रौपदी के वस्त्र हरण कर सके। धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, ये पिता है, धृतराष्ट्र असुर जी है, ये पिता है, अगर ये एक बोल दे यही राजा तो है, ये तो युवराज ही दुर्योधन है, एक बोली निकले तो चुप हो जाएंगे, और द्रोणाचार्य बराबर कोई नहीं कर सकते, कृपाचार्य ये कुलगुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर हैं, और इतने लोग रहते हुए ये मेरे क्या कर लेगा, तू देख रहे इतना उनके तरफ में आग पार पार करके। बोले हाँ प्रभु मैं देख रही। बोले द्रौपदी जब इतने सारे लोग तुमको बचाने वाले, फिर मैं तो वहीं से फिर वापस चला गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में आकर के भी वापस गया। बोले क्यों? बोले तुमने जब देखा ये कोई कुछ बोल नहीं रहे, कोई बोल नहीं रहे, उस समय तुमने क्या किया? अपना वस्त्र को, बोले मैं साधारण घर के थोड़ी बेटी थोड़ी हूँ, अजो निसंभवा जग्या, हाँ जग्या से मेरी जन्म जग्या से हुई, जग्या से हुई है, है? हाँ, नाम जागेश्वर, इसलिए मैं जग्या से प्रकट हुई हूँ, साधारण बेटी थोड़ी हूँ, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। उसने क्या किया, अपना कपड़े को ना ऐसे जोर से पकड़ करके अपना कपड़े को रखा, और दांत को नीचे उसने कपड़े को दबा करके रखी थी और खुद कोशिश कर रहे थे ना। बोले हाँ प्रभु। बोले जब तुमको रक्षा कर सकती हो, फिर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए मैंने वहां से फिर वापस मैंने गया, वहां से फिर मैंने वापस फिर मैंने गया है, इसलिए। लेकिन जब देखा पति भी रक्षा नहीं कर पा रहे, कोई जो कुलगुरु और जो वृद्धा सबके सब हमारे पिता माँ कोई नहीं बोल रहे, खुद को खुद नहीं रक्षा कर पा रहे हूँ, फिर क्या किया? दोनों हाथ ऊपर उठाया। ऐसा हाथ करना मतलब क्या है? ऐसे मतलब ऊपर वाले है, हे ऊपर वाले कृष्ण भगवान, इसलिए तेरे सिवाय और मेरे को कोई बचाने वाले नहीं है, इसलिए हे गोविंद राख शरण अब त जीवन हरी, हे कन्हैया हे श्याम सुंदर अभी तेरे सिवाय कोई मेरे को रक्षा करने वाले नहीं। उस समय में मैंने वस्त्र रूप में प्रकट हो गया और 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं। दुनिया ये देख रहे थे साड़ी के बीच में कोई नारी ना, नारी स्वयं साड़ी बन गई है, नारी कोई साड़ी बन गई ना, नारी बीच में कोई एक साड़ी है, है? ना साड़ी के बीच में कोई नारी है, इसलिए यहाँ पर देखो। और एक चीज देखो, जो लोग घर गृहस्थी करते हैं वो खाने पीने के लिए कभी कितना चिंता कर रहे हैं आपको पता है? जो सोच भी नहीं सकते हो। तुम लोगों के पास में तो फोन आता नहीं, मेरे पास में तो फोन आता है, अभी हम क्या करेंगे, हमारी नौकरी चली गई, अभी 2 महीना बंद हो गया, अभी बच्चों को कैसे क्या करें, कितने लोगों को मेरे पास में फोन आता। लेकिन देखिए हम लोग मठ में बैठे हैं, किसका कोई चिंता है खाने के लिए? मतलब कोई कुछ चिंता कर रहे हो कहाँ से आएगा नहीं आएगा? कोई चिंता कर, भक्त लोग देते हैं, हैं? भक्त लोग मेरे पास में फोन खुद करते हैं। बोले महाराज कुछ लगेगा आपको? इस समय तो लॉकडाउन नहीं है, कुछ लगेगा आपको बताओ। मैं एक बार दिया, कोई 2 बार देना चाहते मैं, अभी जरूरत नहीं, जब जरूरत है मैं आपको अपने आप में मांग लूंगा। अभी देने का देने पर भी मैं कहता अभी मत दिया करो, अपना संसार को देखो है, अपना घर गृहस्थ को, जब जरूरत होगा मैं आपसे अपने आप में मांग लूंगा। जोर जबरदस्ती देना चाहते क्यों, कारण क्या है? तो करने वाले कौन है? और हम लोग मंदिर में इतना बड़ा होटल भी यार, तो एक घर का रूम का कितना कीमत है? 2,500-3,000 रुपया करके एक घर का कीमत है। ऐसे रूप में और समुद्र सामने, लोग आ करके इसकी ऐसे समुद्र को बीच में कितना लोग कितने पैसा खर्चा करके आते हैं, है? कितना लोग खर्चा करके आते हैं यहाँ का आनंद लेने के लिए। लेकिन हम लोग कोई चिंता नहीं, भगवान का कीर्तन करते हैं, हरि नाम करते हैं, भजन करते हैं, और ठाकुर जी अपने आप दे रहे हैं, अपने आप ठाकुर जी अपने आप दे रहे हैं। ये किसने, इसको कौन दे रहा है? देने वाले कौन है? देने वाले कौन है? देने वाले ठाकुर जी है, देने वाले ठाकुर जी देने वाले। इसलिए
इसलिए इसलिए देने वाले ठाकुर जी देने वाले, इसलिए उनकी भक्ति करने से है, उनकी भजन भक्ति करने से। अभी तो हमारी, हम लोग तो अभी हमारे भक्ति का भक्त भी नहीं है, भक्ति की भक्त तक भी नहीं, श्रद्धा की जो श्रद्धा है चलने, इसलिए जो श्रद्धा है हमारे अंदर में, इतने पक्की श्रद्धा भी नहीं, तब भी भगवान हमें यह इतना देते हैं। अगर तुम उनको भक्ति करो ना, हम सोच भी नहीं सकते भगवान हमें क्या दे सकते हैं। देखो इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, बोले तुम्हारी याद है, देखो कितना महाप्रभु क्या बात कह रहे, ये चीज ध्यान देकर सुना। कह तुम्हारी याद है, कभी तुम्हारी शरीर में बुखार आया, तुम्हारे शरीर में बुखार आया तुम्हारी याद है, और जब तुमका शरीर में बुखार आया, मैंने स्वयं क्या किया, आकर के रात भर तुम्हारे पास में मैंने बैठा था, तुम्हारे रात भर तुम्हारे पास में बैठा, तुम्हारी पास में बैठा था, बुखार जब आया है और तुम्हारी जब जोर तुम बुखार सही हुआ, फिर मैंने गया, और जो तुम्हारी रात में बैठा है ना, जानते हो कौन बैठा था, भगवान कहते मैंने बैठा था तुम्हारी पास में। मतलब जब भक्त भगवान को जब हृदय से पुकारे, भजन करे, भगवान कैसे आकर कितने रूप में भगवान आकर के अपना भक्तों को अलग अलग रूप में कैसे भगवान हमें रक्षा कैसे करते। वो भक्त को जब बोले रात भर आप भी मेरे पास में बैठे थे, बोले हाँ मैं ही बैठा था और तुम्हारे बुखार को सही कर गया, वो तो रोने लग गए, प्रभु आप कितने दयालु। फिर उन्होंने बोले गंगादास, देखो ये बहुत बढ़िया बात कह रहे, कहते गंगादास देखी बोले तोर मन जागे, राज भये पालाई इस जबे निशा भागे। बोले एक समय गंगादास को कह रहे हैं, बोले गंगादास तुम्हारी याद है, एक समय मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया, मुसलमान लोग आक्रमण करने पर उस समय मुसलमान राजूत था, वो क्या करते थे, बेटी बहू की इज्जत ले लेते थे, और हमारे जो हिंदू धर्म है धर्म, अगर कोई स्पर्श कर लिया, कोई मुसलमान भी हमारी कोई बेटी बहू को स्पर्श कर लिया, पहले तो घर से कोई बाहर नहीं निकलती थी, अपना इज्जत को रक्षा करती थी, इसलिए अगर कोई मुसलमान अगर स्पर्श कर लिया तो क्या सोचते हैं, हमारी बेटी, हमारी इज्जत चली गई, हमारी इज्जत चली गई। इसलिए तुम्हारी याद है जब मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया, तुमने क्या करोगे, अभी क्या करोगे, तुमने घर बाहर छोड़ करके अपना बेटी बहू को लेकर के तुमने घर से भाग गए, किसी तरह से अपना जान और अपना इज्जत को बचाने के लिए कहाँ गए, तुम चला गया गंगा किनारे में, रात में कोई है ही नहीं, अभी रात में कौन हमें पार करेगा गंगा है। इतने में जब सवेरे हुआ, रात भर तो वो यहाँ पर बैठ रहे, उनको पता रात में कोई नहीं आएगा, जब सवेरे सवेरे हुआ, देखा तो सवेरे हो गया, मुसलमान लोग तो आ जाएंगे, आकर के बेटी बहू की इज्जत ले लेंगे, अभी क्या होगा, भगवान को हे प्रभु तुम ही मेरे को रक्षा कर सकते हो। हृदय से जब उन्होंने भगवान को पुकारे, महाप्रभु कह रहे हैं उसी समय से मैं गोलोक वैकुंठ से मैं स्वयं उतर करके आया, वो जो नाभिक बनकर के आया था ना, नाव वाले बनकर के है, नाभिक बनकर कौन था, महाप्रभु था, मैं स्वयं था, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भजन हो, और मैंने गीता में प्रतिज्ञा किया, भगवान क्या क्या प्रतिज्ञा है, कौनते है प्रतिजानी न मैं भक्ता परनिषति, कहता अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, बोले मैं क्यों प्रतिज्ञा करूं, आपका भक्त का विनाश नहीं, आप ही प्रतिज्ञा करो ना, बोले मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मेरे भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है ना, फिर मैं अपना प्रतिज्ञा तोड़ करके भक्त प्रतिज्ञा को रक्षा करना पड़ता है, इसलिए भैया अगर मैं प्रतिज्ञा करूंगा मेरे भक्त का विनाश नहीं, अगर मेरे भक्त कोई प्रतिज्ञा कर देगा तो मेरे को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे भक्त कोई प्रतिज्ञा करेगा तो वो प्रतिज्ञा में कभी तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम प्रतिज्ञा, इसलिए भगवान सोच रहे मेरे भक्त का, मेरे भक्त का इज्जत का सवाल है, मैं स्वयं नाभिक बन करके आ गया नाव लेकर के, और तुम हमें देख करके बोले प्रभु भैया मेरे जान बचा दो, तुम्हें बख्शिश दूंगा, मुसलमान आकर के मेरी बेटी बहू की इज्जत ले लें, उस समय मैंने क्या किया, तुमको नाव में बैठाया और नदी पार कर दिया था, याद है, बोले प्रभु आप ही थे नाविक रूप में, बोले मैं ही तो था, इतने में रोने लग गए महाप्रभु का चरण में, लौट भट खाने लगे, बोले प्रभु आप कितने दयालु है, प्रभु आप कितने कृपालु है, इसलिए एका तु भकत जीवन
भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह एका तो भक्त जीवन। इसलिए हमारे उड़िया में कहते हैं एका तो भक्त जीवन, कहते भक्तों का प्राण है। इसलिए भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हैं? भक्त निमंत्र, केवल भक्त के लिए ही भगवान ये शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं। इसलिए हाँ, इसलिए कहते मैंने तुमको पार करके वैकुंठ गया, इतने में हैं। इसलिए महाप्रभु को कोई चामर भजन कर रहे थे, कोई केश संस्कार कर रहे थे, कोई तांबूल दे रहे थे। संध्या होने पर महाप्रभु को अर्चन धूप दीप दे करके पुष्प देकर सबके सब भक्तों लोग दंडवत किया है। और ऐसे लग रहा था जैसे सख्यात ये गोलक वैकुंठ हो गया, गोलक ये वैकुंठ यहाँ पर हो गया। इतने में महाप्रभु और एक भक्तों की याद किया, बोले कौन है? बोले आज्ञा है ल श्रीधर रे, झाट किया आन आसिया देखु कमर प्रकाश विधान। इनको याद आया महाप्रभु का एक भक्त का नाम श्रीधर था है। इतने में महाप्रभु ने आज्ञा किया, भैया जल्दी जल्दी जाओ, श्रीधर को बुला करके लाओ है, मेरे प्रकाश को दर्शन करे श्रीधर, जाओ उनको बुला करके लाओ। तो उन्होंने हाँ, इसलिए कहते भैया उनको पहचानेंगे कैसे श्रीधर भक्त? बोले वो गांव को एकदम लास्ट में रहता है, गांव की लास्ट में रहता है, इसलिए वो कितना भजन करता है। बोले दिन में कहते जोर जोर से जो हरिनाम 12 घंटा है, कहते 12 घंटा 4 प्रहर तक हरिनाम कीर्तन करता रहता है। इसलिए जब तुम गांव में जाओगे ना, बड़े दूर से वो जो मेरे कीर्तन कर रहा है अपने आप तुम्हारे कान में सुनाई पड़ेगा है। वो कोई कीर्तन करने वाले हाँ, जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब थोड़ी दूर जाओगे ना, देखोगे जोर जोर से मेरा नाम कीर्तन करता होगा, इससे पता चल जाएगा ये श्रीधर है। तो महाप्रभु अपना मुंह से उनकी महिमा बताते। देखो भगवान भक्तों की जो महिमा है ना, जैसे भक्त लोग भगवान की महिमा गाते हैं, भक्त लोग भगवान की महिमा गाकर खुश होते हैं। भगवान किसकी महिमा गाकर खुश होते हैं? भक्तों की महिमा। क्योंकि जो भक्त लोग ने क्या करते हैं, भक्त लोग अपना सुख सुविधा अपना संसार पुत्र परिवार भगवान के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ वो त्याग दे करके जो सारा दिन उनका चिंतन भजन पूजा पाठ करते हैं, भगवान उसको याद नहीं करेंगे। इसलिए देखो भगवान स्वयं भक्त की महिमा कह रहे हैं। बोले सुना श्रीधर की कथा सुना। कहते वो करता है क्या, वो केले का जो फूल केले का जो बीज थोड़ और मोचा है मंजा फूल और केला लाऊ लौकी ये सब चीज को बेचता है। बेच करके उससे जो प्रॉफिट उसको होता है वो आधा उन्होंने गंगा पूजा में लगा देता है, और जो आधा रह जाता है वो आधा से अपना परिवार और अपना बिजनेस करता है। कहते इनकी व्यवहार कैसे है, तब यहाँ पर कहते हैं
महासत्यवादी देह जेन युधिष्ठिर चार जय मूल्य बोले नाज है भाई। उनको उदाहरण देते हैं, ये कैसे हैं सत्यवादी देह जैसे युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर महाराज जैसे सत्यवादी हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ का उन्होंने प्रशय नहीं दिया, महा विपत्ति अवस्था में भी उन्होंने कभी भी उन्होंने झूठ को कभी उन्होंने आश्रय नहीं लिया, कभी भगवान बोलने पर भी भगवान बोले बोले बोलो हाँ अस्वस्थ मारा गया, क्योंकि जब तक वो नहीं सुनेंगे ना तब तक द्रोणाचार्य धनुष नहीं छोड़ेगा, जब तक उनके हाथ में धनुष है ना पृथ्वी ने कोई जन्म नहीं लिया जो कि उनको परास्त कर सके, क्यों तुम लोग का गुरु है, इसलिए बोल दो तभी वो धनुष छोड़ेगा जब पता चलेगा मेरा बेटा मर गया। लेकिन उन्होंने बोले बोले मैं नहीं बोल सकता हूँ, है भीम तो बोल दिया लेकिन भीम बाकी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं युधिष्ठिर को जाकर पूछता हूँ। लेकिन जब उन्होंने बोले हस्वस्तम हत, और जब बोले उन्होंने कुंजवा क्या नरवा कुंजर, जब इतना बोलने बोलने के लिए गए ना है, इसलिए इतने में कृष्ण ने क्या क्या जोर से सग हो जाती है। हाँ, इसलिए जब कुंजर हाथी बोलने के लिए गए तो उन्होंने शंख बजा दिया, शंख बजा के तो उन्होंने सुना ही नहीं पड़ा है। लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने, इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो सत्य व्रत सत्यम परम त्रिसत्य जो भगवान वो बोल रहे हैं बोल दो, लेकिन तब भी भगवान की बात सुन करके भी उन्होंने झूठ बोलने बोले झूठ नहीं बोल सकता हूँ ऐसे। इसलिए यहाँ यहाँ पर प्रमाण देते हैं क्या सत्यवादी जैसे जैन युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जैसे सत्य बोले कैसे, जैसे कोई चीज जो बेचता है सीधा बोलेगा भैया इतने दाम में मैंने खरीद किया इसका कीमत इतना ही है, वो कभी ज्यादा नहीं बोलेगा कभी कम नहीं बोलेगा, कभी ज्यादा नहीं बोलेगा कभी कम नहीं बोलेगा, इसका रेट इतना ही है, है? इसलिए लेना हो तो लो नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो जानते हैं ये कभी झूठ नहीं बोलता है, आप देखना जिस दुकान में रेट एक ही रेट हो ना वो कभी ज्यादा और कम नहीं करता ना ग्राहकों साथ में, देखना उसी दुकान में ज्यादा भीड़ होता है। वृंदावन में एक दुकान है आप सोच नहीं सकते इतने उसी दुकान में भीड़ होता, तुम सोच नहीं सकते हो इतने, और उसका इतना बड़ा किसी दुकान नहीं देखो, इतना बड़ा दुकान किसको नहीं देखो, क्योंकि सारे लोगों को पता है ये कभी ज्यादा नहीं लेता कम नहीं, तो फिक्स रेट थोड़ी सी लाभ लेकर बेचता है, थोड़ी सी लाभ लेकर के, और जो बड़े बड़े जो काम करते हैं वहीं से लेकर जाते हैं, वहीं से सब लेकर, क्यों दूसरे दुकान में ज्यादा पैसा मिलेगा कम बेसी करना पड़ेगा, उसको एक ही रेट यही इसका रेट है, और ज्यादा लाभ नहीं थोड़ी सी लाभ है थोड़ी सी लाभ ले। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते जिसको पता ये कभी ज्यादा बोलता नहीं ज्यादा रेट, इसलिए लोग क्या करते हैं आकर के कितना रेट है भैया इतना रेट, उतना पैसा देंगे और उतना उसको लेकर के जाएंगे। महापुरुष स्वयं कहते हैं उसकी महिमा कहते हैं, और आधा पैसा में क्या करता है आधा पैसा गंगा की सेवा में लगाते हैं। इसलिए जो पाषंडी लोग है ना हैं, वो जोर जोर से कीर्तन करता था जोर जोर से, उसका आवाज दूर तक जाता था, पाखंडी लोग क्या कहते थे बोले बेटा घर में खाने का है ही नहीं, रात में तो नींद नहीं आती, देखना अगर पेट भूख हो ना रात में नींद नहीं आती, भूख पेट में रात में नींद नहीं आती, कहते ये रात खाना तो मिलता नहीं खाली पेट है, और क्या करता है रात भर चिल्लाते रहता है और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोला हरे राम हरे राम राम भूख लगता है और चिल्लाते रहता है, हैं? लेकिन पाखंडी लोग हर समय उनके ऊपर में उल्टा पुल्टा बोलते थे, लेकिन जो श्रीधर है ना जो श्रीधर है भले ही जो कुछ बोल जो जिसको जो कुछ बोलना बोल दे, लेकिन ये अपना साधन को अपना भजन को जो भजन करते थे ना थोड़ी सी भी विचलित नहीं होते थे, इसलिए सुन तक शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुनता, इसलिए जो उनका जो नौ लक्षण बताया ना, इसलिए शांति खोब का विषय आने पर भी कभी तो नहीं चित्त अचंचल चित्त में जो कंटिन्यू भगवान की भजन करे, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं
हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये श्रीधर को, जो भक्ति करने वाले व्यक्ति है, ये श्रीधर को क्या करनी चाहिए, कहते इनको अनुसरण करनी चाहिए। जैसे भले ही जो कुछ उल्टा पुल्टा बोले, जैसे अपना भक्ति से कभी थोड़ा चुत नहीं हुए, अपना साधन भजन भक्ति को ये कंटिन्यू करते हैं, ऐसे भक्त लोग को भी श्रीधर की अनुसरण करके क्या करनी चाहिए। क्या एक श्लोक है, निंदंतु गुरु भजना तथापि मम सर्वस्व, क्या श्लोक है, क्या है? इसलिए भले ही सारा दुनिया इसलिए भले ही परिवार में दुनिया हमें निंदा चुगली कुछ भी क्यों नहीं करे, लेकिन तथापि परमानंद गोविंद मम जीवनम। प्रभुपाद कहते हैं भक्तों का ऐसे होने चाहिए, तब भी भगवान हमारी सर्वस्व है। भले ही दुनिया में जो कोई कुछ करे, लेकिन अपना भजन साधन कभी नहीं छोड़नी हमें चाहिए। इसलिए कहते भक्तों को इनको अनुसरण करनी चाहिए। समय हो गया है, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोले श्रीधर श्रीधर प्रभु की हरे कृष्ण। हाँ कीर्तन करे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
नहीं किलो आज भी नहीं गया साल